मैं इस लेक्चर के अंदर सेक्शन और स्लाइस ये दो ऑब्जेक्ट दो कमांड ले रहा हूँ। जैसे सेक्शन एस ई सी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, उसमें भी वही है थ्री पॉइंट्स एक्स वाई वाई जेड, थ्री पॉइंट्स लिया, मुझे इसके बीच में सेक्शन करना है तो वन टू थ्री, तो ये सेक्शन हो गया, मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह से, तो इस तरह से हम ये सेक्शन ले सकते हैं एस ई सी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर थ्री पॉइंट्स, मुझे समझो यहाँ से कट करना है, इधर से इसको सेक्शन कट करना है, मैं थ्री पॉइंट लिया फिर इधर क्लिक किया फर्स्ट, फिर परपेंडिकुलर इधर और परपेंडिकुलर थर्ड पॉइंट इधर। अब ये इसमें एजेस दिखने के लिए तुम्हारे को इसमें शेडेड विथ एजेस रखना अच्छा रहेगा, अगर इसमें भी नज़र नहीं आता है तो हिडन में रखो वो बेस्ट रहेगा, और उसमें भी अगर प्रॉब्लम आता है तो 3D वायर फ्रेम रखो, उसमें आएगा ही आएगा इस तरह से। तो ये है सेक्शन, उसमें भी सेम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जैसे वाई जेड लिए तो वाई जेड को पैरेलल सेक्शन कटेगा, समझे ना, तो इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर भी हम क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एज के ऊपर क्लिक करके नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं उसके, या इस तरफ उसके ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इस एज से इस एज के बीच में जहाँ पर भी जाइए एज, तो हम क्लिक कर सकते हैं, फौरन सेक्शन तैयार होगा और हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इसको सेक्शन को बाद में एक्सट्रूड भी हम कर सकते हैं, सेक्शन एस सी सी उसका शॉर्ट कमांड है। और फिर वाई जेड जेड एक्स मैं लिया, समझो जेड एक्स, अभी जेड एक्स प्लेन देखो इस तरह से बनता है, ए जेड एक्स जेड एक्स ए प्लेन बनेगा, मतलब ए एज से ए एज के बीच में जहाँ पर भी उसको सेक्शन कट करना है मैं क्लिक करूँगा तो ये सेक्शन तैयार हो जाएगा इस तरह से, बाकी का भी सेम वैसा ही है। और स्लाइस एस एल एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, सेम मेथड है, थ्री पॉइंट्स लिया मैं, मुझे स्लाइस कट करना है बीच में इस तरह से, तो मैं थ्री पॉइंट इधर क्लिक करूँगा वन टू, और इधर पूछता है थर्ड पॉइंट तो मैं थर्ड पॉइंट दूंगा। इसमें एक ऑप्शन आता है लास्ट में, स्पेसिफाई अ पॉइंट ऑन डिजायर्ड साइड, मतलब कौन सी साइड में चाहिए उधर क्लिक करो, ये नीचे की साइड में चाहिए या ऊपर की साइड में चाहिए, जैसे मुझे नीचे की साइड में, नीचे की साइड क्लिक करूँगा ऊपर का कट होकर डिलीट हो जाएगा। अब मुझे समझो दोनों चाहिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर थ्री पॉइंट्स वन टू थ्री, तो दोनों चाहिए और कीप बोथ साइड, तो दोनों भी साइड रहेगी कीप बोथ साइड क्लिक करके, तो स्लाइस हो जाएगा वो दोनों कट हो जाएगी, अगर हम देखेंगे इसको तो ये हमें इस तरह से नज़र आएगा अंडू, तो ये इस स्लाइस का, बाकी की और ऑप्शन भी उसमें ले सकते हैं हम, जैसे एक्स वाई वाई जेड जेड, अभी मैं वाई जेड लिया तो वाई और जेड प्लेन कैसा बनेगा वो पहले देख लो, मतलब ये प्लेन इस तरह से बनेगा, हम ए एज से ए एज के बीच में जहाँ पर भी कट करना है उधर हम क्लिक करेंगे उसको, ये क्लिक कर दिए, अब दोनों साइड चाहिए तो कीप बोर्ड साइड मूव इस तरह से सेक्शन स्लाइस हम कर सकते हैं। तो ये हुआ सेक्शन और स्लाइस, इसमें भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और कोई डाउट आया तो कमेंट में पूछ लो।